तो हम मॉक एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ आ रहा है, अल्फा प्राइवेट लिमिटेड हैज टू डिविजन्स ए एंड बी। डिविजन ए मेक्स प्रोडक्ट वाई विच इज सोल्ड इन द मार्केट एज वेल एज यूज्ड एज एन इनपुट डिविजन बी। डिविजन में वाई बनता है, वाई बाहर भी बिक सकता है और वो डिविजन बी का इनपुट भी है। प्रोडक्ट जेड मैन्युफैक्चर्ड बाय डिवीजन बी सोल्ड इन द मार्केट। फॉलोइंग इज द अवेलेबल डेटा। फिर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा में क्या लिखा हुआ है, आपके पास प्रोडक्ट वाई जो है उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखी हुई है। एक यूनिट 1750 का होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोडक्शन कैपेसिटी इन यूनिट्स पर मंथ 15,000। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 यूनिट्स वाई के बन सकते हैं, 15,000 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं बन सकते। फिक्स कॉस्ट पर मंथ 2.2 मिलियन। प्रोडक्ट वाई जो है उसका वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट 2300 है प्लस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। प्लस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई का मतलब ये है कि जेड बनाने के लिए एक तो 2300 रुपये का ये वाला खर्चा होता है और इसके साथ साथ वाई का 1750 रुपये का खर्चा भी होता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इन यूनिट्स पर मंथ 12,000। 12,000 यूनिट्स जेड के बनकर बिक सकते हैं, बन सकते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है पर मंथ वो 5.7 मिलियन है। मंथली डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स एट वेरियस सेलिंग प्राइसेस हैव बीन प्रोजेक्टेड एज अंडर। प्रोडक्ट वाई की अगर सेलिंग प्राइस 2800 रुपये होगी तो डिमांड इन यूनिट जो है वो 5,000 है। अगर आप प्राइस को 2600 कर दोगे, यानी कि अगर आप प्राइस को 200 रुपये से कम कर दोगे तो फिर जो डिमांड इन यूनिट्स है वो 7,500। प्राइस और डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आपको डिमांड इंक्रीज करनी है, ज़्यादा यूनिट्स बेचना है, तो आपको सेलिंग प्राइस को कम करना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरह से लिखा हुआ है कि अगर सेलिंग प्राइस में 2400 रुपये कर दूंगा तो 10,000 और 500 चीज़ें बिकेंगी। और फिर अगर मैं 2200 अपनी सेलिंग प्राइस कर दूंगा तो 2200 की सेलिंग प्राइस पर 13,000 और 500 चीज़ें बिक रही होंगी। इसी तरह से प्रोडक्ट जेड जेड की सेलिंग प्राइस 6,000, 5,700, 5,400 और 5,100 पर मुख्तलिफ उसकी डिमांड्स दी हुई। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ₹75 पर यूनिट फॉर डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर्स। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू कंसेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जेड बीइंग द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड डिटरमाइन द मोस्ट फीजेबल प्रोडक्शन प्लान फॉर द कंपनी गिविंग प्रायोरिटी टू प्रोडक्ट जेड। कंपनी का सबसे जो फीजेबल प्रोडक्शन प्लान होगा ना वो आपको बताना है। और प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी प्रोडक्ट जेड को। प्रोडक्ट जेड को प्रायोरिटी देने का मतलब ये है कि सबसे पहले प्रोडक्ट जेड की डिमांड मीट होगी। देखें ये जो आपके सवाल में ये बात लिखी हुई है ना, प्रायोरिटी गिवेन टू प्रोडक्ट जेड, इसका मतलब ये है कि जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम प्रोडक्ट जेड के एंगल से करेंगे, यानी कि हम प्रोडक्ट जेड की ओर अहम प्रोडक्ट अहमियत देते हुए प्रायोरिटी देते हुए देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बताना क्या आपको, प्रोडक्शन प्लान बताना। प्रोडक्शन प्लान का मतलब यह है कि कितने हम वाई बनाएं और कितने हम जेड बनाएं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मुझे प्रोडक्ट जेड को देते हुए अपने सारे और चीज़ें लिखनी है तो इफेक्टिवली मुझे ये बताना होगा कि भाई मैं कितने जेड बनाकर बेचूं और कितने वाई बनाकर बेचूं। अब यहाँ पर मुझे चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो मैं जेड जो है उसके 5,000 यूनिट्स बेच सकता हूँ, एक यूनिट 6,000 का बिकेगा, या मैं उसके 7,000 यूनिट्स बेच सकता हूँ, एक यूनिट जो है वो 5,700 का बिकेगा, या मैं 9,000 यूनिट्स बेच सकता हूँ जिस केस में वो 5,400 का बिकेगा, या 11,000 यूनिट्स बेच सकता हूँ जिस केस में वो 5,100 का बिकेगा। सर, जेड और वाई का आपस में ताल्लुक क्या है? ताल्लुक ये है कि अगर मुझे जेड बेचना है तो जेड बनाने के लिए जेड में भी वाई जो है वो इस्तेमाल होगा, और जब जेड बनाने के लिए वाई इस्तेमाल होगा तो वाई फिर इंडिविजुअली बाहर नहीं बिक सकेगा क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो वाई की है उस पर भी एक कैप है, या एक जो है ना वो आप कह लो कि अपवर्ड लिमिट है, ठीक है। तो इफेक्टिवली हमें चार अलग अलग तरह के ऑप्शन इवेल्यूएट करने हैं।
और वो चार ऑप्शंस ये हैं कि मैं जेड की कितनी क्वांटिटी बेचूं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात जो हमें देखनी होगी वो ये है कि हमारी डिसीशन मेकिंग के लेक्चर्स में हमने एक बात डिस्कस की है कि फिक्स कॉस्ट इरेलीवेंट होती है, वो तो हमें हर लिहाज से पे करनी होती है। पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट जेड बनाकर बेचते हैं ना, तो उस पर हमें कंट्रीब्यूशन कितनी मिलेगी। अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो जेड का एक यूनिट जो है वो 6,000 का भी बिक सकता है, 5,700 का भी बिक सकता है, 5,400 का भी बिक सकता है और 5,100 का भी बिक सकता है। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, डिमांड लिख लेता हूँ 5,000, 7,000, 9,000, 11,000। देखिए, मुझे ये बताना है कि मैं इन चार कामों में से क्या काम करूँ, यानी कि क्या मैं जेड के 5,000 यूनिट्स बनाकर बेचूँ, 7,000 यूनिट्स बनाकर बेचूँ, 9,000 यूनिट्स बनाकर बेचूँ या 11,000 यूनिट्स बनाकर बेचूँ। इससे वाई का ये ताल्लुक है कि जब मैं जेड बनाकर बेचूंगा तो कुछ वाई जो है वो जेड पर लगेगा और कुछ वाई नहीं लगेगा जो कि इंडिविजुअली बिक रहा होगा। साथ में मैं अपनी सेलिंग प्राइस भी लिख लेता हूँ। अगर मैं 5,000 यूनिट्स बेचता हूँ तो एक यूनिट 6,000 का बेच सकता हूँ, 7,000 यूनिट्स बेच रहे हैं तो एक यूनिट 5,700 का, 9,000 यूनिट्स बेच रहे हैं तो 5,400 का एक यूनिट बिकेगा, अदरवाइज 5,100 का एक यूनिट बिकेगा। ये मुख्तलिफ सेलिंग प्राइजेस मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि जेड बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है। जब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करेंगे कि जेड को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तो उसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करेंगे तो एक तो 2,300 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट होगी, यानी कि उसने जो कहा था कि भाई जब आप जेड बनाते हो तो जेड की वेरिएबल कॉस्ट 2,300 रुपये होती है, जमा उसने एक और बात कही थी, उसने लिखा था +1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई, यानी कि वाई का एक यूनिट भी लगता है। अच्छा, यहाँ पर वाई के एक यूनिट की वैल्यू 1,750 दी हुई है, लेकिन हम 1,750 नहीं लेंगे। इसलिए 1,750 नहीं लेंगे क्योंकि उसने नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई थी और लिखा हुआ था द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ₹75 पर यूनिट फॉर डिलीवरिंग इट टू द कस्टमर। 75 रुपये वेरिएबल कॉस्ट में इस बात के शामिल होते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट वाई कस्टमर को डिलीवर करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट वाई को जेड में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जाहिर है मैं किसी एक्सटर्नल कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा और मुझे उसकी डिलीवरी नहीं करनी होगी। तो मेरी जो कॉस्ट होगी ना वो 2,300 + 1,750 - 75 यानी कि 3,975। ठीक है जी, 3,975 मेरी कॉस्ट होगी। इस हिसाब से हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ सकती है। सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगी? पहले केस में 2,025, दूसरे केस, तीसरे केस, चौथे केस, सारे केसेस की मैंने कंट्रीब्यूशन दी। अच्छा, जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी तो टोटल कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगी। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? भाई, आप यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2,025 × 5,000 और इसी तरह से दीगर जो भी वैल्यूज हैं वो आप मल्टीप्लाई कर कर मालूम कर सकते हैं। सर, क्या बस हमें हमारा फैसला हो गया, हमें बस यही चीज़ें मालूम करनी थी? नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें मालूम नहीं करनी थी, हमारा यहाँ पर फैसला पूरा नहीं होता। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर पूरा डिसीशन नहीं होता, हमें सिर्फ ये वैल्यूज मालूम नहीं करनी थी। देखिए, एक तो ये बात आपकी सही है कि ये हम जेड से कमाएंगे, लेकिन हम जेड पर लगाते हैं वाई। ठीक है, अब जब वाई इस्तेमाल होगा जेड पर तो बाहर कितना बिक सकता है वो भी इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम कितने जो है वो जेड बनाकर बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि भाई हम जो है ना वो वाई कितने बनाकर बेच सकते हैं। तो हम पहले पहले वाले डिसीजन पर चलते हैं। देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक चीज़ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी वाई, वाई की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? भाई, वाई की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 15,000 यूनिट्स। ठीक है, वाई की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 15,000 यूनिट्स, लेकिन अगर मैं जेड के 5,000 यूनिट्स बना रहा हूँ, अगर मैं जेड के 5,000 यूनिट्स बना रहा हूँ
गौर से सुनिएगा, तो मैं आउटसाइड कंपनी कितने वाई बेच सकूंगा? 15,000 माइनस 5,000, यानी कि 10,000 वाई जो है वो आउटसाइड कंपनी बेच सकूंगा। ये बात समझ में आई? देखें, वाई जो है उसकी प्रोडक्शन हो सकती है 15,000, लेकिन अगर लेट से पहले केस पर जाते हैं जिसमें हम जेड के 5,000 यूनिट्स बनाएंगे तो उस पर 5,000 वाई लग जाएंगे। अब जब उस पर 5,000 वाई लग जाएंगे तो मैं मजीद 10,000 वाई जो है वो बाहर बेच सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आती है? पहले यहाँ तक मुझे बता दें, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? मैं पहले ऑप्शन पर हूँ अभी, जिस केस में हम 5,000 वाई जेड पर यूज़ कर रहे हैं और बाकी जितने भी हमारे पास वाई बच जाते हैं वो हम बाहर बेचते हैं, जो कि 10,000 इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बनते हैं। अच्छा, अब अगर मैं 10,000 पर जाऊंगा तो मुझे एक बात बताएं कि एप्लीकेबल सेलिंग प्राइस क्या होगी? और यहाँ पर मैं वेरिएबल कॉस्ट भी लिखता हूँ, वाई के एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 1,750 है। ठीक है, अगर मैं 10,000 यूनिट्स बाहर बेचता हूँ तो मुझे ये चार्ट देखकर आप बताएं, ये जो चार्ट बना हुआ है ना यहाँ पर, इस चार्ट को देखते हुए बताएं कि एक यूनिट मैं कितने का बेच सकूंगा? कोई बता सकता है? देखें, यहाँ पर लिखा हुआ था कि 5,000 यूनिट्स बेचने हैं तो एक यूनिट 2,800 का बेचना होगा, 7,500 यूनिट्स बेचने हैं तो एक यूनिट 2,600 रुपये का बेचना होगा, 10,000 और 500 यूनिट बेचने हैं तो एक यूनिट आपको 2,400 रुपये का बेचना पड़ेगा। अब मुझे ये बात बताएं कि क्या सेलिंग प्राइस 2,600 होगी, यानी कि क्या मैं एक यूनिट जो है वो 2,600 रुपये का बेच पा रहा हूँगा, या क्या सेलिंग प्राइस जो है वो 2,400 रुपये होगी, यानी कि क्या मैं एक यूनिट 2,400 रुपये का बेच पा रहा हूँगा, ये मुझे बताएं। 2,600 या 2,400? 2,400 या 2,600? 2,400 कौन कौन कहता है? कितने लोग कहते हैं 2,400, और उसकी रीजन क्या है? और 2,600 कहने वाले जो लोग हैं उसकी रीजन क्या है? हाँ भाई, 2,600 जो कहते हैं उसकी रीजन क्या है, और जो लोग 2,400 कहते हैं उसकी रीजन क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि एप्लीकेबल सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी? क्या वो 2,600 होगी, क्या क्या या क्या वो 2,400 रुपये होगी? देखिए, आपके पास जनरली ये जो चार्ट दिया हुआ होता है ना, इसमें होता ये है कि ये आपकी जो डिमांड होती है ना, इस डिमांड से आगे बढ़ने के लिए नई वाली सेलिंग प्राइस अप्लाई होती है। अच्छा, हमने 10,000 सारे सेल करने हैं तो इन ऑर्डर टू सेल मोर यूनिट्स वी हैव टू रिड्यूस अवर प्राइस टू टॉप। बिल्कुल, देखो ये जो आपके पास लिखा हुआ था ना कि 7,500 यूनिट बेचने हैं तो आप 2,600 रुपये का एक यूनिट बेचोगे, अगर इस चार्ट को पढ़ते हो तो ये जो आपके पास यूनिट्स लिखे हुए होते हैं ना, ये आपको ये डिनोट कर रहे होते हैं कि भाई 7,500 यूनिट्स बेचने हैं ना तो 2,600 का एक बेच सकते हो, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा यूनिट्स बेचने होंगे ना तो आपको नई वाली सेलिंग प्राइस पर जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये आपके पास मैक्सिमम डिमांड होती है, यानी कि अगर मुझे इससे भी आगे जाना है तो अब मैं 2,400 का नहीं बेच सकता। याद रहे कि देखें, यहाँ पर इसने 7,500 यूनिट्स की डिमांड लिखी और 2,600 लिखा। अगर मैं 10,000 यूनिट्स भी 2,600 रुपये में बेच पा रहा होता तो ये 2,600 और 10,000 नहीं लिखता। बात समझ में आई? तो एक यूनिट कितने का बिकेगा? अगर मुझे 10,000 यूनिट्स बेचने हैं ना तो मुझे एक यूनिट 2,400 रुपये का बेचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे 10,000 यूनिट्स बेचने हैं तो एक यूनिट मुझे 2,400 रुपये का बेचना पड़ेगा,
ये आपको अपर थ्रेशोल्ड दिया हुआ होता है कि भाई तुम्हें 10,500 यूनिट्स बेच रहे हैं ना, तो तुम 2,400 रुपए तक बेच सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं तो तुम्हें सेलिंग प्राइस मजीद कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, इस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितनी आती है? कंट्रीब्यूशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2,400 माइनस 1,750, 650। और टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आती है? टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 650 × 10,000, 6.5 मिलियन। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अच्छा, मैं एक और टेबल भी बना लेता हूँ यहाँ पर। हमारे पास जो डिमांड्स दी हुई है ना, 5,000 यूनिट्स अगर बेचने हो, 7,500 यूनिट्स बेचने हो, 10,500 यूनिट्स बेचने हो और 13,500 यूनिट्स बेचने हो, तो हम क्या क्या सेलिंग प्राइसेस रख सकते हैं? 2,500, 2,600, 2,400, 2,200। मैं कुछ एक टेबल एक वर्किंग कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1,750 है, माइनस में लिख देते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1,050 है, और टोटल कंट्रीब्यूशन 1,50,000 लिखते हैं। ये एक चार्ट जो है वो मैंने बनाया है, इसका पर्पस अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, इसका पर्पस मैं थोड़ी देर में आप लोगों को समझाता हूँ। चले, अब आप आ जाएं और दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन क्या था भाई? कि 15,000 यूनिट्स बने, 7,000 यूनिट्स जो है वो वाई में लग गए। अच्छा, अब यहाँ पर 8,000 यूनिट्स आ रहे हैं। 8,000 यूनिट्स बेचने के लिए क्या एप्लीकेबल सेलिंग प्राइस होगी? अगर मुझे 8,000 यूनिट्स बेचने हैं तो एक यूनिट कितने रुपए का बिकेगा, 2,600 या 2,400? दोबारा से, ये 7,500 से ज्यादा है ना, तो जैसे ही मुझे 7,500 से ज्यादा की डिमांड पर जाना होगा तो एक यूनिट मुझे 2,400 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगी? 650 पर यूनिट, और ये मैंने टोटल निकाली। फिलहाल यहाँ पर एक सस्पेंस है, एक बात है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम इस चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अगले केस में 15,000 बना है, 9,000 यूनिट जेड में अगर लग जाते हैं, 6,000 बच जाते हैं। 6,000 यूनिट्स मुझे अगर बेचने होंगे तो एप्लीकेबल सेलिंग प्राइस क्या होगी? 2,600। एक यूनिट से क्या कंट्रीब्यूशन आएगी? 850। टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ सकती है? टोटल कंट्रीब्यूशन 850 × 600, 5.1 मिलियन। आखिरी केस में 15,000 यूनिट्स बनाए, 11,000 जेड में लग गए, 4,000 यूनिट्स बेचने, एक यूनिट 2,800 रुपये में बेच सकता हूँ। एक यूनिट से 1,050 की कंट्रीब्यूशन, और टोटल जो कंट्रीब्यूशन मैं लेकर आ सकता हूँ वो है 2.94 मिलियन। पहले बताएं कि क्या ये चार्ट आप लोगों को समझ में आया? 6.5, 5.2, 5.1 और 2.94। अच्छा, इसमें सॉरी 4,000 से मल्टीप्लाई करना था ना, ये गलती कर दी मैंने, 4,000 लिया। ठीक है जी, अब जरा गौर से एक बात सुनिएगा, मेरी गौर से एक बात सुनिएगा। देखें, मैं जो है ना एक केस पिक करता हूँ। ठीक है ना, सही है, ये सारी वर्किंग्स आप लोगों ने कर ली, लेकिन लेट से मैं ये वाला केस पिक करता हूँ, 5.2 मिलियन वाला। गौर से मेरी बात सुनूंगा। 5.2 मिलियन वाले केस में हो क्या रहा है? 7,000 यूनिट्स मैंने जेड के बनाए, जेड ने मुझे XYZ रुपीज की कंट्रीब्यूशन कमा कर दी, एग्री। 15,000 यूनिट्स मैं वाई के बना रहा था, 7,000 इस्तेमाल हो गए जेड पर, इसका मतलब 8,000 यूनिट्स बच गए। ये 8,000 यूनिट्स जो बच गए, ये मैं अगर आम लोगों में बेचता हूँ तो 2,400 का बिकेगा,
1750 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट होगी, 650 रुपये की कंट्रीब्यूशन मिलेगी और 5.2 मिलियन की कंट्रीब्यूशन जनरेट हो सकती है टोटल इन 8,000 यूनिट से। ऐसा ही है ना, इस चार्ट को तो आप समझ गए ना। अब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई 8,000 से कम यूनिट्स बेचकर और 5.2 मिलियन से ज्यादा की कंट्रीब्यूशन कमा सकता हो, देखिए 8,000 यूनिट्स बेचूंगा ना तो मैं 5.2 मिलियन की कंट्रीब्यूशन कमा सकता हूँ, एग्रीड। लेकिन हमें 8,000 यूनिट्स बेचने की जरूरत ही क्या है, हम 7,500 यूनिट्स बेचकर यानी कि 500 यूनिट्स कम बेचकर अपनी सेलिंग प्राइसेस बढ़ा और ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं, हाँ या नहीं? देखिए मुझे सही है, यहाँ पर आउटसाइड कंपनी 8,000 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन क्या प्रायोरिटी जेड की है? देखिए जेड के 7,000 यूनिट बन गए ना, जेड की डिमांड हमने पूरी कर दी, जेड की डिमांड को तो हम छेड़ ही नहीं रहे। जेड 7,000 यूनिट्स बनाए, जेड के कितने यूनिट्स बनाए? 7,000 यूनिट्स बनाए, 15,000 जो वाई हमने बनाए उसमें से 7,000 यहाँ लग गए। अब आप मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, देखिए ये मैक्सिमम आउटसाइड कंपनी है, मैक्स आप इतना बना सकते हो, एग्रीड? ठीक है ना। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, मुझे एक बात बताएं, मैं 8,000 यूनिट्स क्यों बनाऊं भाई? 8,000 यूनिट्स क्यों बनाऊं? मैं 7,500 यूनिट्स क्यों बना कर ना बेच दूं? मेरे पास अभी जगह है, गुंजाइश है 8,000 यूनिट्स बनाने की, बिल्कुल मेरे पास 8,000 यूनिट्स बनाने की गुंजाइश जरूर है, मेरे पास 8,000 यूनिट्स की बनाकर बेचने की गुंजाइश जरूर है। लेकिन 7,500 यूनिट्स बनाकर अगर बाजार में बेचे जाते हैं तो वो मुझे 6,375,000 की कंट्रीब्यूशन कमा कर दे देते हैं, जो कि 5.2 मिलियन से ज्यादा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? देखो अगर मैं 8,000 यूनिट्स बेचकर 5.2 मिलियन की कंट्रीब्यूशन कमाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि मैं जो है वो टेबल देखूँ, या यहाँ पे मैं ऑल्टरनेटिव फ्रॉम टेबल, यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि भाई 7,500 यूनिट्स बेचकर 6,375,000 कमाए जा सकते हैं तो ये काम करें, तो हमें जो काम करना चाहिए ना वो हायर ऑफ द टू करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम 6,375,000 यूनिट्स बेचें और सॉरी 7,500 यूनिट्स बेचें और 6,375,000 की कंट्रीब्यूशन कमाएं। अच्छा इसी तरह से दूसरों को भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हम 10,000 यूनिट्स बेच रहे थे, 10,000 यूनिट्स बेचकर 6.5 मिलियन की कंट्रीब्यूशन आ रही है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? 10,000 अगर टेबल से देखते हो तो 10,000 से नीचे क्या है? 7,500, 10,500 पे तो नहीं जा सकता ना मैं, क्योंकि मेरी गुंजाइश कितनी रह गई है, मेरे यूनिट्स बनाने की गुंजाइश 10,000 रह गई है। अब वो 10,500 से तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, 7,500 से हो सकता है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर यूनिट्स 8,000 थे, जब 8,000 यूनिट्स थे तो आपके पास एक ऑप्शन ये था कि आप 8,000 यूनिट्स बेचो, 8,000 यूनिट्स बेचोगे तो वो 2,400 रुपये के हिसाब से बिकेंगे, वेरिएबल कॉस्ट वही होगी, 650 रुपये की कंट्रीब्यूशन होगी, टोटल कंट्रीब्यूशन 5.2 मिलियन होगी। लेकिन ये बेहतर है कि मैं 6,375,000 की कंट्रीब्यूशन कमा लूँ, 500 यूनिट्स भी कम बनेंगे और कंट्रीब्यूशन भी 8,000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन वाली वैल्यू से ज़्यादा हो। अच्छा यहाँ पर 6,000 की केस में आए, 6,000 की केस में अगर मैं लेट से 9,000 यूनिट्स वाई के बनाता हूँ तो 15,000 में से 9,000 यूनिट्स वाई के जो है वो जेड पे लग जाएंगे, 6,000 यूनिट्स जो है वो मैं बाहर बेच सकूंगा और 5.1 मिलियन कमा सकूंगा। क्या ये बेस्ट है? क्या ये बेस्ट है, 6,000 यूनिट्स बाहर बेचकर 5.1 मिलियन की कंट्रीब्यूशन कमाना बेहतर है, या इससे और बेहतर काम कुछ नजर आता है? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं 6,000 के बजाय, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं 6,000 के बजाय 5,000 यूनिट्स बाहर बेच दूं और 5,250,000 कमा लूं? एग्री करते हो सब? जरा चैट बॉक्स में लिखो।
देखो आपके पास गुंजाइश है 6,000 यूनिट्स बनाने की, मान लिया, लेकिन 6,000 यूनिट्स बनाकर बेचे गए तो 5.1 मिलियन कमा सकते हैं। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं 5,000 यूनिट्स बना लूं और 5,000 यूनिट्स में मैं 5.25 मिलियन कमा रहा हूँ, फिर 4,000 पर आ जाओ। 4,000 के केस में एक ऑप्शन आपके पास ये कि आप 4.2 मिलियन कमा रहे हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम के वैल्यूज लिख देते हैं, ज्यादा वाली है। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, इन केस ऑफ 8,000 यूनिट्स इट इज बेटर टू सेल 7,500 यूनिट्स एट अ हायर सेलिंग प्राइस एज इट अर्न्स ग्रेटर टोटल कंट्रीब्यूशन देन सेलिंग 8,000 यूनिट्स। और इसी तरह से इन केस ऑफ कितने यूनिट्स है, 6,000, इन केस ऑफ 6,000 यूनिट्स इट इज बेटर टू सेल 5,000 यूनिट्स एट अ हायर सेलिंग प्राइस एज इट अर्न्स ग्रेटर एज इट अर्न्स ग्रेटर टोटल कंट्रीब्यूशन देन सेलिंग 6,000 यूनिट। बात समझ में आई? तो अब हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगी, फ्रॉम टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाई एंड जेड। भाई पहले केस में ये हो सकता है कि ये मैं कमा लूँ जेड से, ये कमा लूँ वाई से, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, ये और ये और ये, ठीक है ना। तो जहां पर सबसे ज्यादा मेरी कंट्रीब्यूशन है मुझे वो काम करना चाहिए। एग्री करते हो सब या नहीं? जहां पर मेरी एक्स और वाई से आने वाली जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम है, क्या वो काम मुझे करना चाहिए? यानी कि 1,840,1,845,000 जहां पर मैं कमा रहा हूँ, हाँ या नहीं? तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, कंपनी मस्ट प्रोड्यूस एंड सेल 7,000 यूनिट्स ऑफ जेड एंड कितने यूनिट्स थे, 7,500 यूनिट्स ऑफ वाई। दिस विल अर्न मैक्सिमम हाईएस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1,845,000। ऑल्सो एक और बात, फिक्स कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर डिसीशन ओवर हियर सिंस दे हैव टू बी पेड एट एनी कॉस्ट। आई बात समझ में? बताएं जी, ये हमने पूरा सवाल सॉल्व किया। इस सवाल में दो बातें थी जो आप समझ जाएंगे ना, तो ये सवाल बहुत आसान था। पहली बात ये कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना था कि हमें जो है ना प्रायोरिटी जेड को देनी है। प्रायोरिटी जेड को देनी है, इसका मतलब हमारा डिसीशन या हमारा फैसला जो है वो जेड को देखते हुए हम करेंगे, जेड को देखते हुए करेंगे। दूसरी जो बात थी ना वो ये वाली बात थी कि कभी कभी हम थोड़े यूनिट्स कम बेचकर ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर हम 8,000 यूनिट्स बेचने की सलाहियत रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम 8 के 8,000 यूनिट्स बेचें। हम 7,500 यूनिट्स बेचकर अगर थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं तो वो हम बेहतर कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। और फाइनली आपका डिसीशन उस बेसिस पे होना चाहिए कि आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन जो है ना वो कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये मैं अब अपलोड भी कर दूंगा।